नमस्कार दोस्तों, हम लोग MBS TGT साइंस 2016 का क्वेश्चन पेपर हल कर रहे थे, जिसमें अब तक हम लोगों ने कुल 30 प्रश्नों को हल किया है, जिसमें मैंने हर प्रश्न को फुल डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। तो चलिए अब हम अपने आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन, ये बोल रहा है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट वर्टिकल हाइट 500 मीटर, इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। ये हाइट दिया हुआ है वर्टिकल हाइट 500 मीटर, और इसकी चूंकि एरोप्लेन हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी हुई है 20 मीटर पर सेकंड ओवर ए फ्लड अफेक्टेड एरिया, मतलब ऐसे एरिया जहां पे बाढ़ आई हुई है वहां पे एक एरोप्लेन हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है। फूड पैकेट आर टू बी ड्रॉप फॉर द पीपुल स्टैंडिंग एट पर्टिकुलर प्लेस ऑन द ग्राउंड, तो वो पूछ रहा है एट व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस द फूड पैकेट वुड बी रिलीज फ्रॉम द एरोप्लेन, जिससे वो जो नीडी पीपुल है उनको फूड का पैकेट मिल सके। मान लो ये दोस्तों एरोप्लेन है, ये ऊंचाई पे उड़ रहा है, जमीन से उसकी ऊंचाई कितनी है 500 मीटर, ये उसकी ग्राउंड से ऊंचाई है, ये जमीन से उसकी ऊंचाई है, और ये फूड पैकेट कुछ डिलीवर्ड कर रहा है। मान लो ये फूड पैकेट ये आया यहाँ पे ग्राउंड पे, ये इसको फूड पैकेट डिलीवर्ड कर रहा है, ये फूड पैकेट है, पैकेट ऑफ फूड, ये फूड पैकेट ऊपर से गिरा रहा है, तो ये पूछ रहा है कि किस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से ये फूड पैकेट गिराया जाए जिससे वो नीडी पीपुल को मिल सके। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछ रहा है कि किस डिस्टेंस से फूड पैकेट गिराया जाए जिससे जिन लोगों को जरूरत है फूड पैकेट की उनको मिल सके। तो अब हम इसमें इक्वेशन यूज करेंगे, यस इज इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। चूंकि इनिशियली मान लो ये एरोप्लेन है, फूड पैकेट यहाँ पहले रेस्ट में था फिर वो जमीन पे गिराया गया, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, हाफ एटी स्क्वायर। चूंकि हमें डिस्टेंस दिया गया है, एरोप्लेन कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो 500 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, हाफ एक्सीलरेशन इसका 10 होता है इंटू टी स्क्वायर, तो टाइम कितना लगेगा 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में क्या होगा, 10 सेकेंड में फूड पैकेट नीचे आ जाएगा। तो अब हमें टाइम पता चल गया दोस्तों, अब हम जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, और हमको दूरी निकालना है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमें पता है 20 मीटर पर सेकंड, टाइम भी हमको पता चल गया 10 सेकंड, तो ये 200 मीटर दूरी से अगर रिलीज किया जाए तो वो नीडी पीपुल को मिल सकेगा, तो ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 200 मीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच सन अट्रैक्ट द अर्थ। चूंकि हम जानते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, मान लो ये दो ऑब्जेक्ट ए हैं और ये दूसरा बी है, इनके बीच की दूरी आर है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इनके मास के डायरेक्टली होता है और इनके डिस्टेंस के इन्वर्सली होता है, और इन दोनों पे जो फोर्स लगता है, चूंकि हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, तो जो दो फोर्स दोनों पे लगता है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है। अब हम अपने ऑप्शन पे आते हैं, पहला ऑप्शन है ये बैरी करता है इनवर्सली विद स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है कि इज मोर देन द फोर्स विद विच विच सन अट्रैक्ट द अर्थ अट्रैक्ट द सन, ये रॉन्ग है। अभी हमने बताया कि ये इक्वल फोर्स दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट लगता है। तीसरा ऑप्शन है लेस देन द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट द सन, तो ये भी रॉन्ग है, ये बोल रहा है ये कम फोर्स से अट्रैक्ट करता है, अभी हमने बताया कि ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होता है। इसका चौथा ऑप्शन है सेम फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट द सन, तो ये करेक्ट है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों 1 एंड 4 इज करेक्ट।
हमारा अगला क्वेश्चन है, ये दिया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू दी हुई है, जी की वैल्यू हमको दी हुई है 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और रेडियस अर्थ का हमको दिया है 6.4 × 10⁶ मीटर, अब एक्सीलरेशन दिया है एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी 10 m/s², और हमसे पूछ रहा है मास, मास ऑफ अर्थ क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करके तो दिखाएंगे, फिर भी आपको मास ऑफ अर्थ पता होना चाहिए। मास ऑफ अर्थ होता है 6 × 10⁴ kg, इसे आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम बचेगा। फिर भी हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी की वैल्यू हमको 10 दी हुई है, कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻¹⁻ मास ऑफ द अर्थ हमको निकालना है, इसकी रेडियस हमको दी हुई है 6.4 × 10⁶ मीटर, इसका होल स्क्वायर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू अप्रॉक्स आएगी 6 × 10⁴ kg। तो ये इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हुआ, 6 × 10⁴ kg। हमारा अगला क्वेश्चन है, इक्वल मास ऑफ थ्री लिक्विड ए बी और सी, उसकी डेंसिटी है पी ए पी बी और पी सी रेस्पेक्टिवली, और वो रखे गए हैं तीन आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल वेसल में, तो ये पूछ रहा है कि जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो लिक्विड के बेस पे कितना होगा। मान लो ये तीन आइडेंटिकल वेसल हैं ए ये बी, दोस्तों डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है लेकिन आप समझ लीजिएगा कि ये तीनों आइडेंटिकल हैं ए बी सी, और तीनों का हमको दिया है, तीनों की एरिया सेम है, तीनों आइडेंटिकल हैं, तीनों का मास भी सेम है। चूंकि हम सभी जानते हैं कि इस पे सेम एक्सीलरेशन जी लगेगा, अब हम फार्मूला यूज करते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू होता है एफ बाई ए, एफ बराबर हम जानते हैं एम जी, चूंकि अभी हमने बताया कि मास तीनों का सेम है, तीनों पे एक्सीलरेशन सेम लग रहा है और तीनों आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल हैं, इसलिए इनका एरिया भी सेम होगा, तो ये जो प्रेशर होगा वो तीनों में कांस्टेंट कह सकते हैं आप होगा, या बराबर होगा या इक्वल इन ऑल। तो इसका ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, इक्वल इन ऑल ऑफ थ्री। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक बीकर है कंटेनिंग ए लिक्विड प्लेस्ड इन ए पैन ऑफ प्लेटफॉर्म बैलेंस पे, वो रखा हुआ है, एक बीकर है लिक्विड से भरा हुआ है, वो पैन ऑफ प्लेटफॉर्म बैलेंस पे रखा हुआ है, और बोल रहा है व्हेन ए आयरन स्फीयर इज सस्पेंडेड, एक आयरन के टुकड़े को स्प्रिंग बैलेंस से इमर्स किया जाता है उस लिक्विड में, लिक्विड कंटेन इन ए बीकर विदाउट, जो लिक्विड है कंटेन इन ए बीकर विदाउट टचिंग द वॉल ऑफ द बीकर, तो ये पूछ रहा है द अमाउंट ऑफ इंक्रीज्ड ऑफ वेट ऑफ बीकर सोन बाय द प्लेटफॉर्म बैलेंस वो किसके इक्वल होगा। मान लो दोस्तों ये एक प्लेटफॉर्म है बैलेंसिंग वाला, इस पे क्या रखा हुआ है, इस पे ये बोल रहा है कि एक रखा हुआ है बीकर, और बीकर में क्या भरा हुआ है, एक लिक्विड, तो ये बीकर है, और इसमें बोल रहा है कि स्प्रिंग रॉड से एक आयरन के टुकड़े को सस्पेंड किया गया, जब हम आयरन के टुकड़े को इस लिक्विड में सस्पेंड करेंगे तो ये फोर्स mg नीचे लगाएगा लिक्विड पे, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसे बायोन फोर्स, जब ये आयरन के टुकड़े को इसमें इमर्स करेंगे तो इसका वेट mg नीचे की ओर लगेगा, और ये लिक्विड इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक बायोन फोर्स अप्लाई करेगा, जो F से हमने अभी दिखाया, ये बायोन फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। अब हम इसके ऑप्शन को चेक करते हैं, ये बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेट ऑफ वीकर इज सोन बाई द प्लेटफॉर्म इक्वल टू जीरो, नहीं
इक्वल टू जीरो नहीं है। ये बोला है सेकंड ऑप्शन एक्चुअल वेट ऑफ द स्फीयर के बराबर होगा, नहीं एक्चुअल वेट ऑफ स्फीयर के बराबर नहीं होगा। इसका तीसरा ऑप्शन है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, तो ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि आप सभी आर्किमिडीज प्रिंसिपल से जानते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से जानते हैं जब कोई भी सब्सटेंस हो गया किसी लिक्विड में या तो फुल्ली या पार्शियली अगर डुबोया जाता है तो वो जो एक्सपीरियंस करता है अपवर्ड फोर्स जो एक्सपीरियंस करता है वो इक्वल होता है किसके, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस उसके बराबर होता है। तो क्वेश्चन भी यही बोल रहा है इक्वल टू होता है किसके, इक्वल टू होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। चौथा ऑप्शन है डिक्रीज इन वेट सोन बाय द स्प्रिंग बैलेंस, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि जब कोई भी बॉडी, मान लो ये बॉडी इसमें स्विंग कर रही है, स्विंग करा रहे हैं तो उस टाइम बॉडी का वेट जो होता है वो कम हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अपरेंट वेट कहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, इसका वेट जीरो नहीं होगा क्योंकि जब हम इसको इसमें इमर्स करेंगे तो इसमें इसका कुछ ना कुछ वेट बढ़ेगा, इसका जीरो नहीं होगा और ना तो वो एक्चुअल वेट ऑफ स्फीयर के बराबर होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोल रहा है फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ग्रेटेस्ट कब होगा, चूंकि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन जानते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सीलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स के बराबर होता है। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या है, ये इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है, एक्स क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है कहाँ से, फ्रॉम द मीन पोजीशन से ये इसका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये जो है एक्सीलरेशन वो डिपेंड किस पे करेगा, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली रिलेटेड है तो ये इस पे डिपेंड करेगा। बस जो एक्सीलरेशन होगा और डिस्प्लेसमेंट चूंकि इसमें माइनस साइन हो रहा है मतलब ये दोनों वैल्यू में तो सेम होंगे लेकिन इनकी डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट होगी। माइनस साइन का मतलब बस इतना है कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। चूंकि अभी हमने बताया ये एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा तो एक्सीलरेशन हमसे पूछ रहा है एक्सीलरेशन मैक्सिमम कब होगा, एक्सीलरेशन मैक्सिमम तब होगा जब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मैक्सिमम, तो इसका ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, एक्सीलरेशन मैक्सिमम तब होगा जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है ए बेब इज डिस्क्राइब्ड बाय वाई इज इक्वल टू 0.2 साइन, ये बोल रहा है वाई इज इक्वल टू 0.2 साइन 3x प्लस 12t, ये पूछ रहा है बेब लेंथ इसकी कितनी होगी। चूंकि हम जनरल इक्वेशन इसकी जानते हैं y इज इक्वल टू क्या होता है a साइन ओमेगा t प्लस माइनस kx, k बराबर चूंकि हम ये भी जानते हैं k बराबर होता है 2π बाय लैम्डा। अब इसमें हम k की वैल्यू ढूंढेंगे कितनी है, k की वैल्यू है 3x है तो मतलब k की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 2π बाई लेमडा, तो लेमडा वेवलेंथ बराबर हो गया 2π/3, तो ये इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है 2π/3 मीटर इतनी वेवलेंथ होगी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रे फ्रॉम द सन कन्वर्स कर रहा है 20 cm पे इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन हमें +2 दे रहा है और पूछ रहा है ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ, मान लो दोस्तों ये कॉनकेव मिरर है, ये क्या है, ये कॉनकेव मिरर है,
कॉनकेव मिरर में जो भी रे आती हैं वो कहाँ से आती हैं? इनफाइनाइट से। जो इनफाइनाइट से रे आती हैं इस पे वो कहाँ कन्वर्ज होती हैं? वो कन्वर्ज होती हैं इसके फोकस पे। चूंकि हमें ये डिस्टेंस दिया हुआ है, जो रे कन्वर्ज होती है उसकी दूरी है 20 सेंटीमीटर। अभी हमने बताया कि ऑब्जेक्ट को अगर हम फोकस से पहले रखेंगे, यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट को हम फोकस से पहले रखेंगे तभी उसकी इमेज, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस से पहले रखेंगे, तभी उसकी जो इमेज होगी, उसकी इमेज कैसी बनेगी? उसकी इमेज बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, इरेक्ट बनेगी। चूंकि हमसे ये पूछ रहा है मैग्निफिकेशन, इसका +2 मैग्निफाई करना है। मान लो ये फोकस है, ये 2F है। अगर हम ऑब्जेक्ट को 2F पे रखेंगे तो जितने साइज की ऑब्जेक्ट होगा उतने साइज की इमेज बनेगी, बट हमें उसको उतने साइज की नहीं, हमको उसको +2 मैग्निफाइड करना है। अगर मान लो हम ऑब्जेक्ट को 2F के बाद रखते हैं तो इसकी साइज जो है इमेज की छोटी बनेगी, बट हमको इसको मैग्नीफाइड करना है, तो ये ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए F और 2F के बीच में होना चाहिए, इस F और 2F के बीच में होना चाहिए। चूंकि हमें इसकी फोकस दी हुई है 20 सेंटीमीटर और हम R बराबर जानते हैं, कॉनकेव मिरर 2F होता है, मतलब 2F इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो जो ये ऑब्जेक्ट होगा उसकी जो मिरर के कितनी दूरी पे पूछ रहा है वो प्लेस्ड होगा, तो 20 और 40 के बीच में वो प्लेस्ड होगा, 20 और 40 के बीच में प्लेस्ड होगा। अगर हम 40 पे प्लेस करेंगे तो सेम साइज की इमेज बनेगी, हमको इसको मैग्नीफाइड करना है +2, तो हम इसको जो है 20 और 40 के बीच में प्लेस करेंगे। अब हम अपने ऑप्शन को चेक करते हैं तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो 20 और 40 के बीच में है, तो ये ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, यही केवल 20 और 40 के बीच में है। दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोल रहा है इन्हें गिवन डायग्राम बोथ लेंसेज L1 एंड L2 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, फिर पूछ रहा है फाइनल इमेज फॉर्म बाई द लेंस L2 विल बी। तो ये फाइनल इमेज पूछ रहा है और ये बोल रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है, चूंकि ये ऑब्जेक्ट, ये तो हमें फोकस बताया गया है, तो ये ऑब्जेक्ट कितने इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ये ऑब्जेक्ट 2F पे रखा गया है। चूंकि हम जानते हैं L1 कौन सा लेंस है, L1 कॉन्वेक्स लेंस है। L1 द्वारा ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी अगर वो 2F पे हो, तो चूंकि हम जान रहे हैं ऑब्जेक्ट L1 से यहाँ से 2F पे रखा गया है, तो L1 द्वारा ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी जब ऑब्जेक्ट 2F पे होता है तो उसकी इमेज L1 और L2 के बीच में बनती है। कब? जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होता है, जब ऑब्जेक्ट 2F पे हो, तो L1 द्वारा ऑब्जेक्ट की इमेज L1 और L2 के बीच में बनेगी, मतलब इसकी इमेज जो बनेगी इसके L1 और L2 के बीच में बनेगी, यहाँ पे बनेगी। चूंकि ये ऑब्जेक्ट 2F पे है इससे, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो सेम साइज की बनेगी और इक्वल डिस्टेंस पे बनेगी, तो इसकी जो डिस्टेंस है इस लेंस से 20 सेंटीमीटर पे है, तो इसकी इमेज सेम साइज की बनेगी और इक्वल डिस्टेंस का मतलब 20 सेंटीमीटर पे बनेगी। अब हमें इसकी डिस्टेंस पता चल गई 20 सेंटीमीटर, और हमें ये पूरी डिस्टेंस कितनी दी हुई है 30 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना होगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर होगा। अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट के द्वारा L1 के द्वारा जो इमेज बना वो L1 और L2 के बीच में बना है, तो ये वाली जो इमेज है वो L2 के लिए किसका काम करेगी, L2 के लिए ये
ऑब्जेक्ट का काम करेगी। जब ये L2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो हम इसको सॉल्व करते हैं कि हमें U बराबर कितना दे रखा है, माइनस 10 सेंटीमीटर, चूंकि ये वाली इमेज जो है ये L2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, मतलब ये कितने डिस्टेंस पे है, 10 सेंटीमीटर पे। हम सभी जानते हैं कि जो लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंस होता है उसको माइनस में लिखते हैं, तो U बराबर माइनस 10 सेंटीमीटर। और हमें चूंकि ये कॉनकेव लेंस है, इसकी फोकल लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, कॉनकेव लेंस की वजह से इसकी फोकल लेंथ हम लेंगे माइनस 10 सेंटीमीटर। अगर यही कॉन्वेक्स लेंस होता तो इसकी फोकल लेंथ हम लिखते हैं प्लस 10 सेंटीमीटर। तो अब हम इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/F = 1/V - 1/U। 1/F की वैल्यू हमें पता है, 1/V हमें निकालना है, 1/U की वैल्यू भी हमें पता है। तो 1/U जो हो जाएगा वो हो जाएगा -2/10, या U = हो जाएगा -5 सेंटीमीटर। मतलब जो इसकी इमेज बनेगी वो -5 सेंटीमीटर पे वर्चुअल इमेज बनेगी। अब हम ऑप्शन को देखते हैं, ये वाला ऑप्शन तो रॉन्ग हुआ क्योंकि इसकी इमेज रियल बन रही है, और तीसरा भी रॉन्ग हुआ क्योंकि इसकी इमेज रियल बन रही है। -5 सेंटीमीटर मतलब यह यहाँ पे वर्चुअल इमेज है, तो ये पहला और तीसरा तो रॉन्ग हुआ। अब दूसरे और चौथे को हम चेक करते हैं, इसमें तो है वर्चुअल लेकिन अब इसका हमें मैग्निफिकेशन नहीं पता। अब हम मैग्निफिकेशन के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, M = होता है V/U। चूंकि हमें वी पता है -5 सेंटीमीटर, यू पता है हमें -10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1/2। तो मैग्निफिकेशन इसका कितना हो गया, ये मैग्निफाइड हो रही, ये 1/4 दिया है तो ये रॉन्ग है, ये मैग्निफाई 1/2, तो ये करेक्ट है फोर्थ ऑप्शन। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दे रखा है, वाटर का 1.33, फिर इसके बाद हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दे रखा है 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको किरोसिन का दे रखा है 1.44, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको डायमंड का दे रखा है 2.42। चूंकि हम सभी जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है C/U के बराबर होता है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो ये सब में सेम होगी, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू सबके लिए सेम होगी। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये इसके इन्वर्स होगा, तो वेलोसिटी जो हो जाएगा 1/μ के इन्वर्स होगी। तो जिसका म्यू हम कह सकते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। अब हम चेक करते हैं इसमें सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का है, तो वाटर की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, ये वाला ऑप्शन। अब ये वाला ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड तीनों में आ रहा है, तो हम और चेक करते हैं इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये है डायमंड का, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोस्तों सबसे ज्यादा होता है उसकी वेलोसिटी सबसे कम होती है। तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का है, इसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी। इसमें देखिए इसमें किरोसिन की दी हुई है तो ये रॉन्ग है, तो इस तरह से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने अपने 10 क्वेश्चन फिजिक्स के सॉल्व किए हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।